हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे और इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। साथ में इसका जो भी आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन आंसर है उसका साथ एग्जांपल है, वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इसका है राइट द सेट ए। ए के अंदर लिखा हुआ है एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस सेट ए को हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को चेंज करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो सेट ए है, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट लिखा हुआ है उस वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, मीन्स ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसे हम देखने से क्या लग रहा है कि ये नेचुरल नंबर है और ये 7 तक गया है। मीन्स अगर हम लिखेंगे ए इक्वल टू एक्स, यहाँ पर लिखेंगे सच डैट, इसका मतलब है सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड यानी एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x का वैल्यू 7 तक ही जा रहा है। नेचुरल नंबर तो इनफिनाइट तक जाता है बट x का वैल्यू 7 तक ही जा रहा है, मींस x जो होगा वो 7 से क्या होगा, छोटा होगा और बराबर होगा, मींस 7 तक ही जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 7। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर हम लोग 2 देखते हैं। तो एग्जांपल 2 में क्वेश्चन है राइट द सेट b। बी के अंदर सेट है 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28 और इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं सेट बी के अंदर कैसा एलिमेंट है, 1, 2, 4, 7, 14, 28 और ये सारा जो एलिमेंट है वो दिखने में लग रहा है कि 28 का क्या फैक्टर है। 1 भी 28 का फैक्टर है, 2, 4, 7, 14 ये सब 28 का फैक्टर है। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं सेट बी इक्वल टू एक्स सच दैट x belong to एक natural number, क्योंकि जितना भी element है b में वो natural number से belong कर रहा है and x is the factor of 28, okay? तो x natural number से belong कर रहा है और x जो है वो 28 का factor है। तो ये example number 2 का solution है। चलिए अब हम लोग example number 3 देखते हैं। तो example number 2 का question है राइट द सेट सी। सी के अंदर एलिमेंट है 2, 4, 8, 16, 32 और इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो ये क्या है, तो ये x है और ये जो भी है वो 2 का पावर में, मीन्स 2 का पावर 1 2 होगा, 2 का पावर 2 4 होगा, 2 का पावर 3 होगा 8 एंड 2 का पावर 4 होगा 16 एंड 2 का पावर 5 होगा 32, यानी 2 का पावर 5 तक ये गया हुआ है। मींस x सच दैट x इक्वल टू 2 टू द पावर n एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और ये x क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और जो s n का वैल्यू है, n का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। मींस 2 का पावर 5 इक्वल टू क्या होता है, 32 होता है। मींस n का वैल्यू 5 से कम है और बराबर, मींस 5 तक गया है और यहाँ पर n क्या होगा, n होगा नेचुरल नंबर। तो ये एग्जांपल नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा जहां पर x सच दैट x इक्वल टू 2 का पावर n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n का वैल्यू कहां तक जाना चाहिए, 5 तक। मींस n का वैल्यू 1 जाएगा तो 2 का पावर 1 मींस 2 आएगा, n का वैल्यू फिर 2 जाएगा तो 2 का पावर 2 मींस 4 आएगा, फिर n का वैल्यू 3 में 8 आएगा, 4 में 16 आएगा और n का वैल्यू फाइनली 5 तक जाएगा जिसका वैल्यू आएगा 32। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 का क्वेश्चन है राइट द सेट डी। डी के अंदर एलिमेंट है -6, -4, -2, 0, 2, 4 एंड 6 और इसको हम लोग को किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये जो -6, -4, -2 है ये और 2 एंड 4 एंड 6 जो है वो मल्टीपल है 2 का, मीन्स 2 का टेबल में आता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं डी इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 2 इंटू n। ठीक है, यानी 2 का मल्टीपल है। अब यहां पर हम लोग को n का वैल्यू को देखना है। तो n का वैल्यू जो है एंड n बिलोंग्स टू z। अब यहां पर z का मतलब है इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव, मींस -1, -2, -3, 1, 2, 3 और 0 भी। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब n इंटीजर से बिलोंग करता है एंड n का वैल्यू कहां तक गया है, n का वैल्यू 3 तक गया, मींस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा और यहां पर भी 6, मींस यहां पर हम लोग लिख सकते हैं -3
लेस देन इक्वल टू एन, लेस देन इक्वल टू थ्री, मीन्स एन का वैल्यू माइनस थ्री से छोटा है एंड थ्री से क्या है, सॉरी माइनस थ्री से बड़ा है और थ्री से छोटा है और उसके बराबर भी है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर फोर का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फाइव, राइट द सेट E इक्वल टू 1 बाई टू, 2 बाई थ्री, 3 बाई फोर, 4 बाई फाइव, 5 बाई सिक्स, 6 बाई सेवन, 7 बाई एट एंड 8 बाई नाइन। मतलब E के अंदर ये सब, ये सारा एलिमेंट दिया हुआ है और इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए इसे हम लोग चेंज करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा सेट E इक्वल टू, E के अंदर क्या आएगा, तो 1 बाई टू, 2 बाई थ्री, ये क्या है, मीन्स हम लोग इसको ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू एन डिवाइड बाय एन प्लस वन, यानी वहां पर एन का वैल्यू जो भी होगा उसका नीचे डिवाइड में ज्यादा होगा, मीन्स एन ऊपर होगा तो वहां नीचे क्या होगा, एन प्लस वन, यह वन है तो इसका नीचे है टू, मीन्स वन प्लस वन टू। ओके, अब यहाँ पर एन जो है बिलोंग करेगा एन, वेयर वेयर एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड एन क्या किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड एन का वैल्यू आप देखेंगे कहां से कहां तक जा रहा है, मीन्स एन का वैल्यू वन से जा रहा है, एन का वैल्यू वन से एट तक जा रहा है, यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वन लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू एट, मीन्स एन का वैल्यू वन से एट तक जा रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा एग्जाम्पल नंबर फाइव का। तो आई होप आपको ये सारा एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।